एस न्यूज। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से लखनऊ के इको पार्क में धरने पर हैं। उनकी मांग है कि आरटीआई एक्ट 2009 के तहत 1,24,000 पैरा टीचर को अपग्रेड करते हुए शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून के तहत पूर्ण शिक्षक का दर्जा एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार पूर्ण शिक्षक का वेतनमान दिया जाए। जो शिक्षा मित्र आरटीआई एक्ट 2009 में किसी विधिक पहलू के कारण नहीं समाहित हो सकते, भारत के राजपत्र 2017 के अनुसार सहायक अध्यापक पद पर रखते हुए 4 वर्ष में टेट उत्तीर्ण करने की छूट भी प्रदान की जाए, जैसा कि उत्तराखंड में भी चल रहा है। जो शिक्षा मित्र टेट उत्तीर्ण हैं, उनको बिना लिखित परीक्षा के उम्र और अनुभव का भारांक देकर नियमित कराया जाए। इसके अलावा उनका कहना है कि असमायोजित शिक्षा मित्रों का समान कार्य समान वेतन दिया जाए। 12 माह 62 वर्ष सेवा जो बिहार के मॉडल पर है, उसी के तहत ये कार्य भी उत्तर प्रदेश में कराया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को उचित मुआवजा और आर्थिक सुरक्षा हेतु उस परिवार के किसी एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमा देवी ने एबीपीएस न्यूज से बात करते हुए अपनी बात विस्तार से रखी। नहीं, मेरे भैया कोई नहीं मिलने आया, बल्कि एसएचओ साहब ने डायरेक्टर साहब से हमें मिलवाने की कोशिश की। डायरेक्टर साहब जिस हिसाब से बात कर रहे थे, सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, उन्होंने कहा 5 अगस्त तक अगर आप लोग मूल विद्यालय नहीं जाते हैं तो देखिए फिर मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा मान्यवर, हमारा ये दुर्दशा बदल गई है, इसके बाद जो बचा खुचा है वो आप पूरा कर लीजिए, हम उस पर भी तैयार हैं। और दुर्दशा तो इतनी बदली मेरे भाई की, आज आप ये देख रहे हैं समाज में जिस कंडीशन में सुहागिन बहनें भी विधवा बन के खड़ी हैं, एक महात्मा के राज्य में, एक संत के राज्य में। और 4 बार मेरी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और 4 बार सहमति जताई कि हाँ आपकी मांगे जाया जब मैं त्वरित विकल्प निकालता हूँ, लेकिन आज तक विकल्प निकल के नहीं मिला, ना ही हमारी मांगे पूरी हुई। पहली मांग 1,24,000 जिसको अपग्रेड पैरा टीचर का दर्जा मिला हुआ है, 38,878 रुपया ऑलरेडी केंद्र गवर्नमेंट राज्य को दे रही है, वो देने की कृपा करें। दूसरे नंबर पर जो मृतक आश्रित भाई बहन है उन्हें एक सदस्य को सर्विस प्लस मुआवजा दे दें। तीसरे नंबर पर जो भाई बहन असमायोजित हैं उन्हें समान वेतन समान कार्य के तर्ज पर मौका दे दें। चौथे नंबर की मांग हमारी जो थी, जो लिखित परीक्षा इन्होंने जारी की, जो ऑलरेडी टीटी किए हुए थे उन भाइयों के लिए बिना लिखित परीक्षा के नियुक्ति पत्र की मैंने मांग की थी, और इन्होंने लिखित परीक्षा पूरे भारत के संविधान में कहीं नहीं लागू हुआ, राज्य में किसी में नहीं लागू हुआ, मात्र उत्तर प्रदेश में लागू करने की इन्होंने प्लानिंग कर ली, जिसके विरोध में मैं 18 मई से आज तक अनवरत धरना दे रही हूँ। और आज 101 ब्राह्मण भाइयों ने अपनी जनेऊ का परित्याग कर दिया, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे बराबर कहते थे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट शिक्षा मित्र हित में काम कर रही है, लेकिन आज तक कोई भी काम बीजेपी का सामने नहीं आया। आपका आप इतिहास देख रहे हैं, शिक्षा मित्र का इतिहास क्या रहा। और आज इन्होंने जोरदार तरीके से शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय भेजने का कार्य शुरू किया है। मूल विद्यालय का जब पद ही नहीं सृजित इन्होंने किया शिक्षा मित्र का, तो ये किस पद पे शिक्षा मित्र पद बना के भेज रहे हैं। जो पद हमारा है पैरा टीचर का, वो देने में इन्हें पता नहीं क्या परेशानी आ रही है, जबकि मात्र वो 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में मुहर लगा के ये आदेश जारी कर सकते थे, लेकिन ये अपने को छिपाने के लिए और हम लोगों को मौत के मुंह में भेजने के लिए हर तरीके से तैयार है। और जिसके विरोध में, लिखित परीक्षा के विरोध में, हमारी मांगे न माने जाने के विरोध में मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, और सच्ची श्रद्धांजलि अपने 708 भाई बहनों को 25 जुलाई को हम लोगों ने, पूरे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों ने दी, और अभी भी कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा तब तक जब तक बीजेपी गवर्नमेंट हम लोगों को पैरा टीचर का दर्जा शामिल नहीं कर देती है। 1/72 को